जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अध्यक्षता में नियमित लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय में किया गया, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकृति के अनेक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश द्वारा 3 वादों का निस्तारण किया गया, पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 23 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 1 मामले वैवाहिक युगलों को एक साथ विदा कराया गया। समस्त न्यायालयों द्वारा कुल 719 आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 75,005 रुपए अर्थदंड वसूल किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया। इस लोक अदालत में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय, नोडल अधिकारी लोक अदालत अभय प्रकाश नारायण व अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया, विधिक सेवा प्राधिकरण से हम लोगों को निर्देश प्राप्त था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में उससे एक दिन पूर्व हमारे पारिवारिक न्यायालय में जो महिलाओं से संबंधित मामले होते हैं उसके निस्तारण करने के लिए तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी जो मामले पेंडिंग हैं उनको निस्तारित करने के लिए एक नियमित लोक अदालत लगी थी, एक स्पेशल लोक अदालत हम लोगों ने फैमिली कोर्ट में भी लगाया था। उसी के मद्देनज़र आज हमारे यहाँ 11 बजे से लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस लोक अदालत में हमारे पारिवारिक न्यायालय और विभिन्न अपर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 23 मामले को निस्तारित किया गया, जिसमें से 1 मामले में जो नवयुगल दंपति होते हैं उनको एक साथ विदा कराकर एक साथ रहने के लिए उनको प्रेरित किया गया। इस अवसर पर हमारे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने भी महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगभग 719 मामले को निस्तारित करते हुए लगभग 75,005 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूला गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि आगामी 10 अप्रैल 2021 को भी वृहत स्तर पे एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले, चाहे वो पारिवारिक मामले हों, हमारे क्रिमिनल पेटी ऑफेंसेस हों, सिविल कोर्ट के मामले हों, सुखाचार के मामले हों, MSET संबंधित मामले हों, कमर्शियल कोर्ट के मामले हों, इवन राजस्व, बैंक रिकवरी, बैंकिंग, BSNL, टेलीफोन, इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए हम इस पूरे मामले को एक डिस्पोजल करने के उद्देश्य से एक बृहद लोक अदालत का आयोजन हम 10 अप्रैल 2021 को करने जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि आगामी 10 अप्रैल को जो भी लोक अदालत होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मामले को नियत कराएं और अधिक से अधिक मामले को निस्तारित कराएं।